अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम इमरान अल हक विद द न्यू रीडिंग वीडियो अबाउट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। आई कीप एवरीथिंग बिफोर द रीडर इन एन एक्सप्लेन्ड एंड डिटेल्ड वे सो दैट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन गेट आउट द आंसर्स इन अ वेरी इजी वे। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इंतहाई आसान तरीके के साथ कैसे आपने तलाश करने हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। देखिएगा बुक नंबर 17 रीडिंग पैसेज 1। चलें शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा जो आज का रीडिंग टॉपिक है वो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन है। रीडिंग पैसेज 1 है बुक 17। तो इसका जो टॉपिक है वो है द डिवेलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। तो शुरू करते हैं इसको। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने पहले आप कई जो एक दो वीडियोस हैं उसमें यही बात को जोर देकर कहा है कि हर सूरत में हमें कीवर्ड्स की तरफ जाना है, क्लू वर्ड्स की तरफ जाना है, और हमने स्किमिंग करनी है। इंटेंस रीडिंग, हार्ड रीडिंग नहीं करनी। हमने इसके जो थीम्स हैं वो एक्सप्लोर नहीं करने। इसकी जो वोकेबलरी है उसको गो थ्रू इस सेंस में करना है, उस की वर्ड्स को इस सेंस में करना है कि हमें अपना जो डिज़ायर्ड आंसर है वो कहीं से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इसका तरीक़ाकार जो होता है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का। ट्रू इन अ सेंस के अगर आपके टेक्स्ट में दी हुई इन्फॉर्मेशन वो एज इट इज़ ही मैच करती हूँ आपकी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के साथ, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है। और अगर वही स्टेटमेंट आपकी कंट्राडिक्ट कर रही है तो फिर नो यानी फॉल्स के ज़िम्मे में आती है। और अगर इन्फॉर्मेशन सिरे से दी ही ना गई हूँ तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉट गिवन में आती है, कि क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल दी ही नहीं गई होती। तो चलें शुरू करते हैं फिर। आज का सबसे पहला जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करना होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 to 13 है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स जो नीचे दी गई हैं ये आया के अग्री करती हैं विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज 1 जी इन बॉक्सेस 7 to 13 ऑन योर आंसर शीट। क्योंकि ये हमारा मॉक जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस सेशन होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉक्सेस में लिखना है। आप इन स्टेटमेंट्स के सामने ही ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन लिख सकते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। पहली ही जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है अदर कंट्रीज़ हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे। दूसरे ममालक ने अंडरग्राउंड रेलवेज बनाई हैं बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन्ड। मेट्रोपॉलिटन लाइन खुलने से पहले, मेट्रोपॉलिटन लाइन खुलने से पहले दूसरे ममालक ने अंडरग्राउंड रेलवेज जो हैं वो तामीर की हैं कई हैं। तो हमने अब इसमें से देखना है, एक तो अंडरग्राउंड रेलवे है हमारे पास, ये क्लू वर्ड है, कीवर्ड है, मेट्रोपॉलिटन लाइन है, ओपन्ड है, और ये हमने अब देखना है कि आया कि सेम जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दी गई हैं कि नहीं। तो हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने रीडिंग स्किमिंग करनी है, हमने हार्ड रीडिंग नहीं करनी। हमने सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस है हमारा वो यही है कि हम इसको इसका जो आंसर है वो तलाश कर सकें। तो एक तो अंडरग्राउंड है, एक बिल्ट है, और मेट्रोपॉलिटन लाइन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है मेट्रोपॉलिटन लाइन, बिल्ट है, रेलवे, सिटी। आपने बिल्कुल रीडिंग ऐसी करनी है, ऐसे आपने देखना। अमंग्स द सॉल्यूशन लंडन्स ऑफन प्रॉब्लम्स पियर्सन्स प्रोवाइड। अब आपने साथ ये भी याद रखना है कि आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद रहेगी तो फिर इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपको याद नहीं होगा, दोबारा से बार बार आप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन, ये मेट्रोपॉलिटन की बात करता है,
कि मेट्रोपॉलिटन जो है वो तामीर की जाने से पहले बहुत से जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने, ये देखें क्वेश्चन है, अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन्ड। मेट्रोपॉलिटन लाइन के खुलने से पहले दूसरे ममालिक ने अंडरग्राउंड रेलवे को तामीर कर लिया था। तो अभी तक यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे जो है उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड रेलवे का, अंडरग्राउंड ये यहाँ पे आ रहा है, इट वॉज रिजेक्टेड बट कोइंसाइड विद द प्रपोजल फ्रॉम द टू ग्रुप्स। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन रेलवे ये भी आ रही है, इन ऑगस्ट कंपनीज प्लान कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रेलवे। यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे की बात कर रहा है वो, रेलवे लाइन फ्रॉम द ग्रेट वेस्टर्न, वहाँ पे तो ये जिक्र ही नहीं है GWR का। तो द ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टी ऑब्जेक्टिव्स आर क्यूट है यहाँ पे अभी तक GRW यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है हाँ जी अगर ये देखें आप तो मेट्रोपॉलिटन लाइन की बात करता है, ये मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपन्ड। अब यहाँ पे ओपन्ड की भी बात आ रही है, ऑन जनवरी 1863, ये भी वो बात कर रहा है, 1863 की बात कर रहा है, वाज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड। अब ये देखें ये वर्ल्ड की फर्स्ट अंडरग्राउंड है, वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है, वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है। और अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन्ड, यानी खुलने से पहले दुनिया ने अंडरग्राउंड रेलवे को दूसरे ममालिक ने बना लिया था, लेकिन यहाँ पे ये कंट्राडिक्ट कर रही स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, द मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपन्ड ऑन जनवरी 86 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है, अंडरग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे इसके खुलने से पहले ही दुनिया ने अंडरग्राउंड रेलवे तामीर कर ली थी। तो लिहाजा आप ये देखें कि ये स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी। फिर अगर तो ट्रू है तो ट्रू का टी लिखें, फॉल्स का एफ लिख दें, नॉट गिवन का एन जी लिख दें। हाँ अगर वो यस और नो होगा, यस और नो होगा, तो आपने यस का वाई लिख देना है और नो का एन लिख देना है। आपने ये हार्ड एंड फास्ट है, आपने ऐसे ही लिखना है। तो चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड, जितने लोगों की पेशगोई की थी उनसे ज़्यादा ट्रेवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन मेट्रोपॉलिटन लाइन पर जितने लोगों की पेशगोई की गई थी उससे ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने सफ़र किया। तो हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से देखेंगे। अच्छा जी, ऑन द फर्स्ट डे की बात कर रहा है, ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरीड बिटवीन पेडिंगटन एंड फेरिंगटन, द जर्नी टेकिंग अबाउट द। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नहीं लिखा कि कितने प्रेडिक्टेड किए गए थे, प्रेडिक्शन से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है। लिहाजा अगर आप देखें तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई जो उसने क्वेश्चन में दी हैं। मैं मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड ये भी नहीं लिखा हुआ, ऑन दी मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन दी फर्स्ट डे का जिक्र किया है लेकिन दूसरा कोई जिक्र नहीं किया। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो हाफ़ मैच करती हो, हाफ़ मैच ना करती हो, तो फिर भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो नॉट गिवन के ज़िम्मे में ही आती है। तो आप देखें कि यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लिहाजा ये आपका क्वेश्चन जो है आपका नॉट गिवन के सिमरे में आता है जी। तो नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स, यूज़ ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स जो हैं फेल्ड, नाकाम हो गई, टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स, टनल्स में पोल्यूशन को बचाने के लिए, टनल्स में पोल्यूशन से बचाव के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट का इस्तेमाल जो था वो नाकाम हो गया। तो चलें हम देखते हैं वेंटिलेशन शाफ्ट्स कहाँ पे हैं। चलें जी, इवन मेट्रोपॉलिटन्स वेंटिलेशन शाफ्ट्स की बात कर रहा है, तो आप देखें कि वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन टनल्स जो हैं, टनल्स है, प्रिवेंट पोल्यूशन है, वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। तो ये आपके क्लू वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो अब हम इनको तलाश करेंगे कि कहाँ पे हैं जी। रीचिंग लंडन, आप देख लें, लोकोमोटिव्स यूजिंग फायर ब्रिक्स है, ब्रॉयलर है, इंस्टेड द लाइन यूज्ड डिज़ाइंड लोकोमोटिव्स, फिर क्या है जी, डिज़ाइन लोकोमोटिव्स यहाँ पे
ये देखें वेंटिलेशंस आ रही हैं, वेंटिलेशन यहाँ पे आ रही है। कहता है हाउ एवर स्मोक एंड फ्यूम्स रिमेन अ प्रॉब्लम, स्मोक एंड फ्यूम्स ये दोनों ही पोल्यूशन के जिम्मे में आते हैं, इसलिए आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी बेहतर होनी चाहिए। स्मोक एंड फ्यूम्स रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ही रहा इवन दो वेंटिलेशन शाफ्ट्स वर एडेड टू द टनल्स, अगरचे टनल्स में वेंटिलेशन शाफ्ट जो थी उनको ऐड कर दिया गया था, इसके बावजूद पोल्यूशन एक प्रॉब्लम ही रही। तो चलें हम इसको देते हैं, द यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन टनल्स, तो ये वो बात ठीक कर रहा है कि वेंटिलेशन शाफ्ट्स जो थी वो नाकाम हो गई टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन टनल्स, टनल्स में पोल्यूशन से बचाव के लिए। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल ठीक है। स्मोक एंड फ्यूम्स रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही रही इवन दो वेंटिलेशन शाफ्ट वर एडेड इन टू द टनल, अगरचे वेंटिलेशन शाफ्ट जो थी उनको टनल्स में ऐड कर दिया गया, इसके बावजूद प्रॉब्लम्स जो पोल्यूशन थी वो प्रॉब्लम ही रही। तो आप यहाँ पे देखें द यूज़ ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन, इसका मतलब है कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट है, तो लिहाजा ये ट्रू के जिम्मे में आती है। चलें तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है द विंडोज ऑन द सिटी अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर। एक तो डिफरेंट अप्रोच आ रहा है, फिर कट एंड कवर आ रहा है, ठीक है जी। टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया आ रहा है, ठीक है जी। अब ये देखने वाली बात है कि डिफरेंट अप्रोच भी है, कट एंड कवर टेक्निक की भी बात करता है वो, वाज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया की भी बात कर रहा है, लंडन सेंट्रल एरिया की। तो हमें ये तीन चार चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, एक अप्रोच कट एंड कवर टेक्निक और लंडन सेंट्रल एरिया। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो कट एंड कवर, पहले तो ये बड़ा इजी है कि कट एंड कवर को आप चलते जाएं। एक तो ये कैपिटल सेंटर आ रहा है, कैपिटल सेंटर ही वो जो मेन सेंटर है, सेंट्रल एरिया है, उसको कैपिटल ही कहते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको कि ये क्या कह रहा है, कहता है द कट एंड कवर। अब ये देखें द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट एन ऑप्शन, जी वॉज नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन में नहीं था इन दिस पार्ट ऑफ द कैपिटल, इन दिस पार्ट ऑफ द कैपिटल में कट एंड कवर मेथड जो था कंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं था ऑप्शन में। द ओनली अल्टरनेटिव वॉज टू टनल डीप द ग्राउंड, जी ये आप देखें कट एंड कवर जो था वो कैपिटल के इस हिस्से में जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट था उसमें ये हिस्सा शामिल नहीं था। तो कहता है, क्या कहता है, अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया। अच्छा तो फिर क्या है, द ओनली अल्टरनेटिव, ये देखें अल्टरनेटिव की भी बात करता है, वॉज टू टनल डीप ग्राउंड, ठीक है जी, टनल डीप ग्राउंड, ये अल्टरनेटिव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखें अ डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है, कौन सी है डिफरेंट अप्रोच, अगर देखें तो आ टनल डीप ग्राउंड की है। यहाँ पे ये देख लें, कहता है द ओनली अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव है कट एंड कवर के अलावा है, चूंकि कैपिटल के इस पार्ट में कट एंड कवर मेथड जो है वो ऑप्शनल नहीं था, वो ऑप्शन में शामिल नहीं था, उसका अल्टरनेटिव था कौन सा था, वोज टू टनल डीप ग्राउंड। तो आप यहाँ पे देखें, आपकी क्वेश्चन है द अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया, तो बिल्कुल सेम ये आपकी जो है वो मैच कर रही है, तो इसकी जो जो आपका ऑप्शन होगी वो ट्रू आएगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द विंडोज ऑन द साउथ एंड सिटी एंड साउथ लंडन। पहली बात तो ये है कि जब भी वो किसी प्रॉपर नाउन की बात करेगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेगा, सिटी का भी है, साउथ का भी है, लंदन का भी है। ट्रेन्स, आप ये देखें कि ये आपके लिए क्लू वर्ड्स हैं, विंडोज़ हैं वहाँ पे, वर एट द आई लेवल। अब ये देखने वाला है कि सिटी एंड साउथ लंदन की ट्रेन जो हैं वहाँ पर जो विंडोज़ हैं वो आई लेवल पर थी, ठीक है जी। तो अब चलते हैं यहाँ पर कि आया कि ऐसा ही है कि आई लेवल पर ही थी, तो साउथ एंड सिटी एंड साउथ, जी ये देखें जरा सिटी एंड साउथ, ये सिटी एंड साउथ, जी तो कहता है इसको देखना पड़ेगा विंडोज़ कहाँ पे हैं सिटी एंड साउथ में, कोई विंडोज़ हैं यहाँ पे, जी टनल्स एग्जिस्टेड, लोकोमोटिव्स हैं, अंडेवलपमेंट है, मोटर्स हैं
the line opened in Ran railway city south became possible. The line opened in 1890 and ran from the city to Stockwell. जी, the trains were made up of three carriages. अगर ये देखें, three carriages हैं and driven by electric engine. The carriages were narrow and had tiny, ये देखें, had tiny windows. The carriages वो जो जो उसके अंदर डिब्बे होते हैं ट्रेन के, उनको कैरेजेस कहता है. वर नैरो, वो तंग थे, एंड हैड टाइनी विंडोज जस्ट बिलो द रूफ. अगर आप देखें तो कहता है जस्ट बिलो द रूफ. अगर जस्ट बिलो द रूफ है तो वो आई लेवल पे तो नहीं होगा, फिर आई लेवल पे तो नहीं होगा. वो तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये पूछ रहा है. अगर आप देखें तो वो कहता है कि द विंडोज ऑन सिटी साउथ लंदन ट्रेन्स वर एट आई लेवल. अगर ये आई लेवल पे है तो आपकी ये जो आपका क्वेश्चन है आपका, वो अगर देखें तो वो कहता है द ट्रेन्स वर मेड अप ऑफ थ्री कैरिजेस एंड ड्रिवन By electric engines. The carriages were narrow and had tiny windows just below the roof. अगर आप देखें just below the roof, ये just below the roof है तो वहां पे आई लेवल की बात कर रहा है कि ये द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स वर एट आई लेवल. तो इसका मतलब है आई लेवल पे नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, तो ये फॉल्स में आ रहा है. फिर कहता है द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस. एक तो आपने फाइनेंशियल सक्सेस को कर लेना है. सिटी साउथ लंदन रेलवे को देख अंडरलाइन कर लेना. चलें तो हम देखते हैं कि ये क्या है. पहली बात तो ये है कि सिटी एंड साउथ जो है वो एक फाइनेंशियल सक्सेस है, उसकी बात कर रहा है. तो कहाँ पे है फाइनेंशियल सक्सेस, ये भी इसके आगे ही चेक करते हैं. बिकॉज थॉट पैसेंजर्स वुड नॉट टनल, द लाइन वॉज नॉट विदाउट अ प्रॉब्लम. द लाइन वॉज नॉट विदाउट अ प्रॉब्लम मेनली कास्ट बाय अन अनरिलायबल पावर सप्लाई ऑल दो द सिटी एंड साउथ. जी, ये कह रहा है ऑल दो द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे, अभी क्वेश्चन में भी वही बात कर रहा है. सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वॉज अ ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट. वहाँ पर उसने सक्सेस लिखा है और फाइनेंशियल सक्सेस लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है अ ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट. ये टेक्निकल अचीवमेंट है, ये फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है. आप देखें तो ये फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है बल्कि टेक्निकल अचीवमेंट है. तो ये भी आपका वो फॉल्स आ रहा है. जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेन्स ऑन द ट्यूपिनी ट्यूब नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम. ये कहता है कि जो ट्यूपिनी ट्यूब है उस पर ट्रेन्स जो हैं वो नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम, वो हमेशा वक्त पर ही चलती हैं. तो चलें ट्यूपिनी ट्यूब की बात करते हैं, ट्यूब्स की बात कर रैन ऑन टाइम की बात करते हैं. तो हम चेक करते हैं कि आया के यहाँ पे दी हैं ट्यूपिनी ट्यूब्स की बात करता है, वो ऑलवेज रैन ऑन टाइम भी ही हैं नोन एज अ. जी देखें, देन इन 1900 The Central London Railway, known as the Tupini Tube, began operation using new electric locomotives. It was very popular, and soon afterwards, new railways and extensions were added to the growing network. By अच्छा, आप देखें इस सारे में जहाँ से Tupini Tubes का जिक्र आता है वहाँ से लेकर आखिर तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं भी ये स्टेटमेंट जो है वो ना तो सेम दी गई है ना ही इसमें कंट्राडिक्शन आ रही है. जैसे वो कह रहा है कि ट्रेन्स ऑन द ट्यूपिनी ट्यूब नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम, ऐसा हरगज कोई इस तरह की सेम इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई, ना ही इसमें कोई कंट्राडिक्शंस आ रही हैं. इसलिए जब इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई तो इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नॉट गिवन है. उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. ये इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने क्लू वर्ड्स पे जाना है. जैसे अंडरग्राउंड रेलवे है, मेट्रोपॉलिटन लाइन है, आप प्रेडिक्टेड है, ट्रेवलर्स हैं, मेट्रोपॉलिटन लाइन है, जैसे वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं, प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स हैं. ये आपने जब आपकी ग्रिप हो जाएगी वोकैबुलरी पे, जब आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे आपका जो टेक्स्ट में दिए गए हैं वर्ड उनको, और जो आपकी एक्सरसाइज में यानी क्वेश्चन में दिए गए हैं आप उनके अल्टरनेटिव्स को याद करना शुरू कर देंगे, आप उनको जहन में रखना शुरू कर देंगे,
तो आप बहुत जल्द ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में आप माहिर हो जाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि आप बहुत अच्छे ग्रेड्स भी हासिल करेंगे, बैंड्स भी हासिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।